200 रुपए का सूट का कपड़ा सेफ शॉप 8000 रुपए में लोगों को दे रही है। ऐसा हमें कमेंट आए, कई सारे कमेंट पड़े, ना जाने लोग कितने कमेंट करते हैं। एक बात आपको पहले बता दें, ये कमेंट वो होते हैं जो दूसरी कंपनी वाले होते हैं, उनकी कंपनी चल नहीं पाती। अरे भैया, 200 रुपया का तो आजकल हैंग की रख के चलते हैं लोग, रूमाल रख के चलते हैं 200 रुपए का, और 400 रुपया की तो साफ ही रखते हैं। वो बात कर रहे हैं कि 200 रुपये का सूट का कपड़ा, 200 रुपये में सूट का कपड़ा आएगा ग्राजियम कंपनी का? देखा है ग्राजियम कंपनी, पहना है भाई। अरे भैया, आप ऐसी अफवाहें करना छोड़ दो। अगर आपको सेफ शॉप से जलन ही है तो आप उसी प्रोडक्ट को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई? कोई और तरकीब ढूंढो ना बदनाम करने की। लेकिन आप ये क्यों से कह रहे हो कि 200 रुपये का सूट का कपड़ा 8000 रुपये में? चलिए, ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। हम खाद्य विभाग की कोई एक जानकारी आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे क्वालिटी को इसको कहा कि भाई ये क्वालिटी जितना अमाउंट है इसकी क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। आप 8000-9000 रुपये में तीन कपड़े दे रहे हो, सूट दे रहे हो, उस क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल रेट सही है। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि 200 रुपये का है? चलिए आपको रिव्यू भी करके दिखाते हैं, एक प्रोडक्ट आपको ओपन करके दिखाएंगे, आपके सामने दिखाएंगे, और उसकी क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे भी कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट रहता है, क्या 8000 के लायक है या नहीं। लेकिन आप कई सारे लोग क्या करते हैं, बस यही अफवाहों में अफवाहें फैलाते रहते हैं, बदनाम करने पे चले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दूसरी कंपनी चल नहीं पाती है। इस दुनिया में हमने दो ही चीज़ें सीखी हैं, या तो खुद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाओ या फिर दूसरों को गिरा के नीचे कर दो, ये सीखे हैं। लेकिन जो ऐसा बोलते हैं ना, वो यही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि जो सेफ शॉप है ना, काफ़ी ऊपर कंपनी निकल गई है तो उसको नीचे गिराओ। लेकिन ऐसे नहीं गिरती। जब तक आप लोग गिराओगे, हम जैसे लोग आपका पर्दाफाश करते जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, चलिए आप आपको दिखाते हैं एक सर्टिफिकेट जिसमें खाद्य विभाग का टिन नंबर, पेन नंबर, जो भी है सब कुछ दिखाते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो चलिए, हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू में हमारे पास ये देख रही है ग्राजियम का सूट लेंथ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेफ शॉप का लोगो भी लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा है ग्राजियम कंपनी का ये प्रोडक्ट है। इसको हम ओपन करके दिखाते हैं आपको जल्दी से। ये इस तरह का पैक आया है ग्राजियम कंपनी का, और इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह का पैक निकलता है। इसको हमने ओपन किया है, ऐसे ओपन करते हैं इसको, और इसको हम बाहर तरह खींच के देख लेते हैं कि इसमें किस तरह का प्रोडक्ट और क्या निकलता है। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का सूट लेंथ है, और ब्लैक कलर का सूट लेंथ आपके लिए निकाल के बताते हैं। इस तरह का निकाल करता है, ये देखिए। आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्राजियम का सब कुछ लोगो वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर सेफ शॉप की तरफ से ये पैक होकर आया है। तो यहाँ पर आप इसका देखेंगे, अगर इसका लेंथ देखेंगे तो इतनी बेस्ट क्वालिटी का है कि आपको मार्केट में ऐसा शायद दिखाएंगे भी नहीं लोग आपको, जो इस तरह का बना के देते हैं। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी के नाम से जाना जाता है ग्राजियम जैसी कंपनी को, बेस्ट क्वालिटी के नाम से जानते हैं, ब्रुंसबुर्ग के नाम से। तो ये वो कंपनी है जिनके बारे में हम शक नहीं कर सकते, कभी कपड़े को देख के नहीं कह सकते। तो इस तरह का पैक होता है, और आपको एक बात बता दें, इसी कंपनी का लगातार 3 साल से रोज पहनते हुए आए हैं, और अब तक इसको पहनते हुए जाते हैं, और अभी भी कोई खराब नहीं होता। जबकि अगर कोई बाहर मार्केट से लेते हैं तो बहुत जल्द, मुश्किल से 1-2 महीने में उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी का ही नाम होता है जिसके सामने ग्राजियम नाम आ जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि इनकी क्वालिटी खराब है। चलिए, हम आपको एक बार और बता देते हैं, ऐसे ही खाद्य विभाग द्वारा इसकी जाँच भी हो चुकी है, जिन्होंने बताया है कि मूल्य के हिसाब से प्रोडक्ट सही है, और मूल्य जितना है उसकी क्वालिटी से इसका प्रोडक्ट की क्वालिटी बिल्कुल मिलती जुलती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आगे से हम ये नहीं कह सकते कि इतना सस्ता प्रोडक्ट है, बहुत गजब क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और जितना भी रेट निर्धारित किया है उतना निर्धारित इसके लिए रेट फिक्स है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5600 रुपए, यानी 5600 रुपए का ये इसका निर्धारित पैक है। लेकिन आपको सेफ शॉप की तरफ से लगभग 8500-9000 के समथिंग आपको दो पैक, तीन पैक मिल जाते हैं, ये तीन पैक। लेकिन एक पैक का कीमत ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरह से इसकी पैकिंग, इस तरह से डिजाइन की जाती है, और इसमें कोई महंगाई नहीं होती। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, फॉर्म डीवेट की डेफिट वेबेट है। कहने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट अंडर दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2004। कहने का मतलब ये है, जो प्रोडक्ट है उसका टिन नंबर और जो प्रोडक्ट का नेम है, कंपनी का नेम है, जो प्रोडक्ट उन्होंने ऐड किया है, और जो प्राइस जिसने निर्धारित किया है उसका, आप देख सकते हैं यहाँ पर आइटम कोड दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर लिखा फैब्रिक
रेडीमेड, ग्राजिम, फूडलैंड जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं उनकी कैटेगरी बताई है और उन्होंने पहले से निर्धारित किया है कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी ये है और हमारा अमाउंट ये है। तो पहले सबको ये पूरा ही रखा है तो हम कौन होते हैं भैया 200 रुपये बताने वाला, यही तो हुआ था। आगे एक वीडियो में थोड़ा और बताएंगे आपको, क्लिप किसी दूसरी कंपनी वाली चल नहीं रही थी तो उन्होंने गरीब को पैसा दे के उसकी रिपोर्ट करवा दी सेफ शॉप की, कुछ होगा इसका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने छापा मारा, पकड़ा गया, कोई हुआ यहाँ वहाँ हुआ, फिर उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट देखे गए, डॉक्यूमेंट देखे जाने के बाद में हुआ क्या, वापस उसी जगह पे चलाना पड़ा। आपको हम दिखाएंगे और आपको एड्रेस भी बताएंगे, चाहो तो आप फिर से वो न्यूज़ पढ़ लेना और चाहो तो आप फिर से वो विजिट करके आना जहाँ पर वो जगह है। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो कहने का मतलब ये है जब गवर्नमेंट सरकार से उन्होंने साझा करके बता दिया है कि हमारे ये प्रोडक्ट का रेट है, ये प्रोडक्ट है सब कुछ, तो हम कौन होते हैं भैया रूमाल का रेट बताने वाले। भाई वो सूट है, ग्राजम कंपनी का सूट है, तो हम रूमाल का रेट क्यों आप बता रहे हो कि 200 रुपया। खैर हटाइए, हमें उन चीज़ों को लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि जो लोग इसको नेगेटिव करते हैं मैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो गया भैया कि ये जो हमारा गवर्नमेंट सरकार का हमने आपको ये बताया पत्र बताया, इसमें हमने पहले से देख चुके हैं कि इसका निर्धारित हो चुका है, पहले से इसका निर्धारित हो चुका है। हम बताने वाले नहीं कि 200 का है 300 का है, जो सेफ टॉप रेट देता है वो पहले से निर्धारित इसमें हो चुका है। चलिए आप वो भी न्यूज़ भी देख लीजिए कि हुआ क्या था, कैसे दूसरी कंपनी वाले लोग तो क्या करते हैं, गरीब को पैसे देकर झूठी कंप्लेन करवा दी कि इसका कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देख सकते हैं आप, देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पर नीट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हुआ क्या था, एक दूसरी कंपनी जिसकी कंपनी चल नहीं पा रही थी सेफ शॉप के आगे, उसकी कंपनी नहीं चल रही थी, तो उसने एक गरीब को पैसे दिए और कहा कि आप झूठी रिपोर्ट लिखवाओ। तो झूठी रिपोर्ट लिखवाने में हुआ क्या, सेफ शॉप पे छापा तो पड़ा और उन्होंने हेडिंग भी डाली कि 8,000 रुपये में घटिया सूट का कपड़ा बेचने वाली सेफ शॉप कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग पर उसका छापा और यहाँ पर इसकी जाँच भी हुई। लेकिन हुआ क्या, सेफ शॉप के जितने भी लोग थे, जो भी काम करने वाले थे, लीडर थे, उन्होंने सीधा कहा खाद विभाग से चेक करवा लो। तो जब चेक करवाया गया, खाद विभाग से चेक करवाया गया, तो उसकी अमाउंट और कॉस्ट और क्वालिटी सब बेस्ट से बेस्ट पाया गया। तो आखिर में हुआ क्या, पुलिस ने वापस फिर से वहाँ पर कहा कि भाई आप चलाइए, मेरी गलती है, मैंने आपको पकड़ा। और आज भी आप देख सकते हैं ये जबलपुर का नाम लिखा है, अगर आपको नहीं दिखा रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, ये जबलपुर की न्यूज है। लेकिन आज भी जबलपुर में उसी जगह पर, उसी हॉल में, उसी समय पर, उसी स्थान पर, उसी बंगले में, उसी होटल में चलता है, आप देख सकते हैं, चाहो तो जाके आप पता कर लीजिए, जबलपुर में चल रहा था और जबलपुर की ये न्यूज है, तो अब भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं कि 300 का सूट 8,000 रुपये में बेचा, अरे भैया आजकल क्या है, आपको पहले बता चुके हैं, ये ज़माना ऐसा है कि हम जितना सोचते हैं हमें बस वही लगता है, बाहर की दुनिया में पता ही नहीं होता। तो इस प्रकार से आप इस केवल को बात को छोड़ दीजिए। मेरा ये न्यूज बताने का मतलब ये था कि खाद विभाग इसको चेक दोबारा से जितनी बार ना जाने कितनी बार कर चुका है, लेकिन लोग अब भी इसको नहीं मानते और अफवाह में फैलाते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप इस न्यूज को बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए होंगे, लेकिन हमारा मतलब ये है कि आज भी वहाँ पर सिस्टम चल रहा है जहाँ की ये न्यूज है, जबलपुर की है।